सर्वर प्रॉब्लम प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो गाइज मुझको प्रॉब्लम आ गया UIDAI साइट में। मैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए गया था, आधार कार्ड स्टेटस देखने के लिए गया था, मैंने मोबाइल नंबर लिंक कराया था, तो यहाँ पर मुझको यही प्रॉब्लम आ रहा था कि सर्वर प्रॉब्लम प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा था। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है ताकि आप भी आधार कार्ड साइट में अपने आधार कार्ड को लॉग इन कर पाए, वहाँ पर स्टेटस या फिर डाउनलोड वगैरह सब कुछ कर पाए। तो अगर आपके साथ भी यही दिक्कत आ रही है, सर्वर प्रॉब्लम प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। UIDAI वेबसाइट जो आधार कार्ड की जो साइट है वहाँ पर OTP जब आने वाला होता है तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को क्लियर करके तुरंत आपको फिर से एक नए पेज पे आ जाना है। नए पेज पर आपको आइए, आने के बाद यहाँ पर तुरंत आपको सर्च करना है UIDAI, आपको फिर वहीं पर चलना है। लेकिन कहने का मतलब यही कि आपको फिर से पूरा प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूं। अब यहां पर मैं इंग्लिश यूज़ करता हूं। इंग्लिश यूज़ करने के बाद आपको तुरंत जाना है डाउनलोड या फिर चेक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन में। वहां पर आने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर उसके बाद कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद तुरंत आपको OTP रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा OTP भी आ गया। अब मैं जैसे OTP डालता हूँ तो यहाँ पर तुरंत मुझको देखने को मिल जाता है कि ये लॉगिन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं OTP लॉगिन कर दूँ तो यहाँ पर OTP डालते मेरा आधार कार्ड लॉगिन हो गया। अब चाहे आप इसका स्टेटस देखिए या फिर आप इसको डाउनलोड करिए, कुछ भी आप करिए, यहाँ पर आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा।